अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दावत बाय हिना में मैं हिना आपका इस्तकबाल करती हूँ। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ रसीले आलू की सब्ज़ी, जो पूड़ी और पराठे के साथ बहुत ही टेस्टी लगती है और ये मैंने बहुत ही कम मसाले के साथ में बनाई है और बहुत ही झटपट से बन जाती है। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। रसीले आलू की सब्ज़ी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई में 1/4 कप सरसों का तेल लिया है। अब हम इसको अच्छे से गर्म करेंगे जब तक इसमें धुआं नहीं आने लगता। तो तेल अच्छे से गर्म हो चुका है, मैं यहाँ पर 1 टीस्पून में ज़ीरा ऐड कर रही हूँ। इसको हम अच्छे से चटकने देंगे। तो ज़ीरा अच्छे से फ्राई हो चुका है, तो मैंने यहाँ पे एक मीडियम साइज़ की प्याज ली थी, उसको मैंने मिक्सी में अच्छे से पीस लिया है। उसको इसमें ऐड करेंगे और इसको कुछ देर इसी तरह से पकाएंगे ताकि इसका कच्चापन निकल जाए। तो प्याज को हम लगातार चलाते हुए यहाँ पर पका रहे हैं। प्याज हमारे अच्छे से पक चुके हैं। अब मैं यहाँ पर 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर रही हूँ। इसको भी हम अच्छे से फ्राई करेंगे ताकि इसका भी कच्चापन निकल जाए। तो अदरक लहसुन हमारा अच्छे से फ्राई हो चुका है। मैं यहाँ पर अब 4 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए थे, उसको मैंने मिक्सी में डाल के पीस लिया है, उसे ऐड करेंगे और इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो अब मैं इसमें 1 टीस्पून नमक ऐड कर रही हूँ, 1 टीस्पून मैं यहाँ पे लाल मिर्च का पाउडर ऐड कर रही हूँ, 1 टीस्पून मैं यहाँ धनिया पाउडर ऐड कर रही हूँ, 1/2 टीस्पून मैं यहाँ पे हल्दी का पाउडर ऐड कर रही हूँ। अब इन सब मसालों को अच्छे से मिक्स करेंगे और इनको हम जब तक के तेल अच्छे से ऊज आउट नहीं आ जाती तब तक इसको भुनेंगे। यहाँ पर हमारे मसाले और प्याज टमाटर अच्छे से भुन चुके हैं, आप देख सकते हैं, और तेल भी सेपरेट होना शुरू हो गया है। तो कुछ देर और इसे भुनेंगे। तो टमाटर प्याज अच्छे से भुन चुके हैं, मसाले अच्छे से भुन चुके हैं, तो मैं 1/2 किलो आलू बॉईल किए हुए रफली मैश करके इसमें मिक्स कर दिए हैं और अब मैं इसमें 1 कप पानी ऐड कर रही हूँ, जो कि मैं 2 पार्ट में ऐड कर रही हूँ, 1/2 करके। और अब मैं इसको कवर करके 5 मिनट और पकाऊंगी। तो 5 मिनट हो चुके हैं, हमारी सब्ज़ी भी रेडी हो चुकी है। तो मैं यहाँ पर इसमें 4 हरी मिर्च मैंने यहाँ बीच में स्लिट करके इसमें ऐड कर दी हैं और उसी के साथ मैंने इसमें हरा धनिया ऐड कर दिया है। तो हमारी रसीले आलू की सब्ज़ी तैयार हो चुकी है। इसे आप पराठे पूड़ी के साथ में सर्व करें, बहुत ही टेस्टी होती है और बहुत ही कम मसालों के साथ में बनाई हुई है। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो उसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।